Okay, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून सर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर टू को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो यू कैन रिप्लाई इन चैट, ठीक है एवरीवन। चैट में येस और नो, अगर मैं येस और नो क्वेश्चन पूछूं तो यू कैन राइट येस और नो। कोई कोई ऑप्शन वाइज पूछूं कि बताओ कौन सा करेक्ट है तो यू हैव टू राइट इन चैट, ठीक है। अब चैप्टर टू में कुछ टॉपिक्स जो हैं हमारे कोर्स से कट गए हैं, ठीक है, दैट वी डोंट हैव टू डू, बट मैं उसका एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि हम यहाँ तक कैसे आए, कहाँ पे अभी हम प्रेजेंटली हैं, जहाँ से हमें चैप्टर टू को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लुक, एज यू ऑल माइट ऑलरेडी नो, ठीक है, क्लास नाइन में यू हैव डन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेनली कंसर्न्ड है चैप्टर विद स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज सबसे पहले डाल्टन गेव अ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन ने बोला कि एन एटम इज एन इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर, तो ये इनडिविजिबल वाली बात हो गई थी गलत। क्यों? बिकॉज लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन ने बोला इनडिविजिबल मतलब कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वॉज रॉन्ग, वाई? बिकॉज वी डिस्कवर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं देन एटम, ठीक है। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से थे? सबसे पहले डिस्कवर होने वाला पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन को डिस्कवरी में हम कैथोड रेज भी बोलते थे। वी यूज टू कॉल इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे एक ही बात है। इसकी डिस्कवरी का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी हैज डिसाइडेड, सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू डिलीट दिस फ्रॉम योर सो कोर्स, तो हम बस एक समरी ले रहे हैं, ठीक है। देन लेटर ऑन देयर वाज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं केनाल रेज, पहले बोलते थे केनाल रेज, नहीं सॉरी प्रोटॉन्स को नहीं बोलते, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, ठीक है, उसके बाद। एंड सिमिलरली नेक्स्ट डिस्कवरी वॉज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जब हमें पता चल गया कि ये छोटे पार्टिकल्स एटम से स्मॉलर हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन एन एटम, तो मॉडल्स ऑफ एटम स्टार्टेड कमिंग। मॉडल का मतलब है कि जो साइंटिस्ट थे दे स्टार्टेड गेसिंग कि हाउ डज एन एटम लुक लाइक फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे दिखाई देता है। तो फर्स्ट वॉज थॉम्सन। थॉम्सन के मॉडल में एज वी ऑल नो थॉम्सन सेड कि जो मॉडल एटम है इट कंप्राइजेस ऑफ अ स्पेस एंड ऑल ऑफ द स्पेस हैज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सारा रेडिश पोर्शन है दिस इज ऑल पॉजिटिवली चार्ज। और उसने बोला इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं जस्ट लाइक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। तो हम इसे प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे। तो दिस वॉज थॉम्सन मॉडल, ठीक है। थॉम्सन मॉडल फेल्ड बिकॉज रदरफोर्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से भी हम सब जानते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो एक गोल्ड फॉइल के अंदर एटम के अंदर अल्फा रेज को पास कराया था। अल्फा रेज आर एक्चुअली हीलियम पॉजिटिव आयन, तो अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा रेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा रेज कैसे चलेगी? सीधा। तो इससे पता चला दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ज्यादातर स्पेस क्या है? एम्प्टी है, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया, क्लियर है। तो अब इस केस में उन्हें पता चला कि बस जब अल्फा रेज एक छोटे से सेंटर की तरफ जाता था तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है एट लार्ज एंगल्स। तो दिस सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड सेड कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हैज ऑल द मास एंड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, तो यहां तक तुम्हें क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर ऑन चैट। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे डाउट है यू कैन राइट और यू कैन आस्क ऑन माइक। हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो। मेरी मैं बताया था कि मैथ की क्लास है, तो सर मैं जा रहा हूँ, तो मतलब तो मुझे हर्षित देख में लो आप या कुछ बच्चे और आएंगे उसके बाद तुम्हें चैप्टर 2 कराऊंगा, तुम्हें चैप्टर 4 के बैच में ऐड कर रहा हूँ मैं, या फिर वीडियो से कवर कर लेना ठीक है, जैसे तुम बोलोगे। किसी और चैप्टर के बैच में मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, तुम अभी जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अलग से एक बैच चलाऊंगा उसमें कर लेंगे हम ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ बोलो। सर मुझे चैप्टर 1 में एक टॉपिक में डाउट था, आपने उसे पता नहीं शायद कराया कि नहीं कराया, लिमिटिंग रिएजेंट का। अभी करना है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट अभी रहता है, कल हमारा एम्पेरिकल क्योंकि मेरे को फॉर्मूला समझ होगा, नहीं आ, अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा पहले फिर लिमिटिंग रिएजेंट कराऊंगा ठीक है। कल है तुम्हारी क्लास चैप्टर 1 ओके अच्छा ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है, मुझे बच्चों ने बोल दिया है ठीक है, तो आगे मूव करते हैं फिर नेक्स्ट पे ठीक है। सो इस सब से एक चीज जो है हमें इम्पोर्टेंट पता चलती है, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इन न्यूट्रल एटम ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 है इसका मतलब है कि हाइड्रोजन हैज वन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 1। सिमिलरली अगर हम बात करें हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि हमें कोई आयन दे रखी हो ठीक है, तो अगर आयन है फॉर एग्जांपल वी हैव हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन में एटॉमिक नंबर तो हीलियम का है 2 ठीक है, तो हम बोलेंगे हीलियम आयन हैज 2 प्रोटॉन्स, पर क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है इस पे क्या है चार्ज, इस पे चार्ज है, तो क्योंकि इस पे चार्ज है तो इस पे ये वाली कंडीशन नहीं अप्लाई होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जरूरी, इलेक्ट्रॉन तभी इक्वल होते हैं प्रोटॉन के जब एटम होता है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 प्रोटॉन है पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं कैन यू टेल मी इन चैट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज एच ई प्लस हैव। अच्छा एच ई प्लस विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है, इट विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड जीवांशु ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि अगर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते तो चार्ज होता 0 ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कम है, तो एच ई प्लस में एक पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है, तो प्रोटॉन से एक कम इलेक्ट्रॉन है ये कह सकता हूं, तो यहां पर 2 प्रोटॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन है ठीक है। अब ये बात अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर, अगर नहीं है तो राइट नॉट क्लियर।
अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन Mg2+? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चैट पे बताओ. वेरी गुड जीवांशु, दिशा. देव, गौतम, जसप्रीत, अनुष्का, आंसर ट्राई करो. अच्छा, तो देखो, एटॉमिक नंबर 12. One second. Hello. हाँ, तो देखो, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये बात तो पक्की है, ये कंफर्म्ड है. और इट मे और मे नॉट बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हमें पता है एटॉमिक नंबर 12 है, तो वी आर श्योर कि प्रोटॉन्स भी 12 है. जो एटॉमिक नंबर है वो ही प्रोटॉन का नंबर होता है, ठीक है. अब इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज है, प्लस 2 यानी प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्लस 2 माने प्रोटॉन ज्यादा है, प्लस वाला प्रोटॉन होता है. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा? प्रोटॉन 2 ज्यादा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 2 कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल बी 10, ठीक है. क्लियर? से यस और नो. जल्दी जल्दी चैट पे लिखो यस और नो. अनुष्का, इज दिस क्लियर? अच्छा अनुष्का, देखो, जो भी एटॉमिक नंबर होता है जेड, जो हमें गिवन है एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैग्नीशियम का, तो एटॉमिक नंबर हमेशा हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होता है. एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है. तो एटॉमिक नंबर अगर 12 है मैग्नीशियम का, तो प्रोटॉन तो कन्फर्म्ड 12 है. यहाँ तक क्लियर है? प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. गौतम, क्लियर? प्रोटॉन तक क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का मैं आगे बताता हूं, यस और नो जल्दी, ठीक है. प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल है. तो अब देखो, इस पे Mg2+ लिखा था, तो 2+ यानी प्रोटॉन 2 ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन 2+ है, यानी कि चार्ज 2+ है, 2 पॉजिटिव ज्यादा. पॉजिटिव वाला कौन होता है? प्रोटॉन. तो प्रोटॉन 2 ज्यादा, ठीक है. तो हम कह सकते हैं अगर प्रोटॉन 12 है, तो इलेक्ट्रॉन इससे 2 कम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 2 ज्यादा है. तो इसीलिए ये प्रोटॉन 12 है और इलेक्ट्रॉन 10. इसके लिए तुम यू कैन ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज
एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज. एटॉमिक नंबर यहां पे था 12 तो, और चार्ज कितना था 2 माइनस प्लस 2, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस. ठीक है, अगर चार्ज जीरो है तो दोनों इक्वल होंगे. अच्छा अब नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट इज मास नंबर. मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और मास नंबर कैपिटल ए है तो तुम बताओ रदरफोर्ड के मॉडल में वेयर वॉज ऑल दी मास लोकेटेड. हमने बोला था मास इज लोकेटेड इन दी न्यूक्लियस, है ना, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन has negligible mass in comparison to, electron has negligible mass. कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ये तुम्हें याद भी करना है, 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Negligible mass in comparison to मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी. तो यहां पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए सो all the mass of atom is considered to be mainly due to neutron and proton. क्योंकि neutron और proton का mass बहुत कम है तो इसीलिए सारा mass हम दो ही particles को consider करके लेते हैं, एक neutron और proton. तुम बताओ इज दिस पॉइंट जो मैंने लिखा है, इज दिस क्लियर, टाइप यस और नो. ठीक है, ओके गौतम. अब बात आ रही है कि मास नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं मास नंबर या फिर ए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. तो मास नंबर जो होता है, जो मास को रिप्रेजेंट करता है, तो वो दो चीजों से बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले में नहीं आता. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कार्बन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 6, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. पर उसके अंदर जो मास नंबर होता है, उसका मास नंबर होता है 12. इसका मास नंबर है 12. तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन है 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, अभी हमने पढ़ा था. और मास नंबर है इसका जो कि आता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से. तो ये चीज अच्छे से अपनी कॉपी में बना ले. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ठीक है, अब ये जो मास नंबर है इट इज नॉट एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक मास इज एग्जैक्ट मास. एटॉमिक मास इज क्लोज टू मास नंबर, मास नंबर के क्लोजर होता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली मास. ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर
इज इक्वल टू प्रोटॉन, मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. ये बात तुम्हें क्लियर है? यस और नो? सर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही इक्वल होते हैं? हमेशा इक्वल नहीं होते, कभी अलग भी होते हैं. जैसे सोडियम में, या हम हाइड्रोजन में ले लें. अभी मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, ठीक है? अब यूजुअली यूजुअली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल. यूजुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो इसीलिए अटोमिक नंबर इज डबल ऑफ, तो मास नंबर इज डबल ऑफ अटोमिक नंबर. तो देखो जैसे यहां पे अटोमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन, और यूजुअली जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं. तो इसीलिए इसमें 6 और 6 होने की वजह से मास हो गया 12. तो ज्यादातर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसीलिए अटोमिक नंबर का डबल होता है मास नंबर, ठीक है? बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है तो इसका मास नंबर भी 1 है. हाइड्रोजन हैज हाइड्रोजन 1 1, इसे हम बोलते हैं प्रोटियम. क्या बोलते हैं? प्रोटियम. इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन. इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है. ये एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड हीलियम का यूजुअली 2 और 4, लिथियम इज 3 एंड 7, ठीक है? ऐसे हम करें नाइट्रोजन हैज 7 एंड 14, ठीक है? ऑक्सीजन इज 8 एंड 16, कार्बन इज 6 एंड 12. तो ज्यादातर में जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल होता है मास नंबर. ज्यादातर में हीलियम में देख रहे हो तुम, नाइट्रोजन में देख रहे हो, ऑक्सीजन में देख रहे हो, और कार्बन में देख रहे हो, ठीक है? बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, हमेशा डबल नहीं होता. तो यू हैव टू रिमेम्बर the atomic number and mass number till 20. 20 तक atomic number और mass number याद होने चाहिए. तो तुम मुझे बताओ ये वाला topic यहाँ तक clear है? Yes or no? Okay. अब बात आती है कि ये रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर तुमसे पूछे हाउ टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, तो एलिमेंट का सिंबल है एक्स, नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर, नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर रहेगा मास नंबर, और इस साइड आता है चार्ज, इस साइड क्या आता है? चार्ज, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट. एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, और चार्ज राइट, ठीक है? अब लेट अस सॉल्व सम एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो कैन यू आंसर 2.26? प्लीज ट्राई, फर्स्ट पार्ट ही करना है. फर्स्ट पार्ट को आंसर करो, ट्राई करो. अगर एक एलिमेंट में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन्स है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? वेरी गुड दिशा, वेरी गुड देव. Very good, Jasprit. अच्छा देखो,
यहाँ पर जो एटम है, तुम मुझे बताओ, इज एटम न्यूट्रल और इट कैन बी चार्ज्ड? एटम क्या होता है, न्यूट्रल या चार्ज्ड? एटम इज न्यूट्रल, आयंस आर चार्ज्ड, ठीक है ना? तो अगर एक एटम न्यूट्रल है, तो जो हमने पहले बात करी थी कि हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं इन एन एटम या न्यूट्रल आयन। तो अगर एक एटम गिवन है क्वेश्चन में, तो एटम के अंदर आई कैन से इलेक्ट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो अगर हमें प्रोटॉन 29 दे रखे हैं या इलेक्ट्रॉन 29 दे रखे हैं, तो प्रोटॉन भी 29 होंगे, ठीक है? तो दैट मींस ये बात कर रहा है एक ऐसे एलिमेंट की जिसका प्रोटॉन 29 है और इलेक्ट्रॉन भी 29 है, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट समझ आया, से यस और नो, 2.26 क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जीवांशु, अनुष्का, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से 2.27 करते हैं, ठीक है? राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्पीशी, इनमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तुम्हें याद रखना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मैं दे देता हूँ, वन, इसका हाइड्रोजन का वन और ऑक्सीजन का कितना, 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल? ट्राई, अच्छा H2+ को देखते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वन, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो, ठीक है? अगर मैं दो हाइड्रोजन लूं, दो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? और अगर दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, पॉजिटिव चार्ज लगाने से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कम, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर सकता हूं मैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, वन। तो H2+ विल हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड, अगर H2 होता, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते, टू इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ H2 और H2+ क्लियर है, किसी में डाउट है H2+ में या H2 में, सेकंड या फर्स्ट पार्ट में, से यस और नो? अच्छा, अगर डाउट है तो डाउट का क्वेश्चन नंबर लिख दो, अगर डाउट नहीं है तो राइट क्लियर। नहीं, दो भी हो सकते हैं अनुष्का, अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज में प्लस वन में एक होगा, यहाँ पे एक प्लस वन है ना, प्लस वन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्लस टू होता तो दो इलेक्ट्रॉन कम होते, और अगर -2 होता तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड होते, तो नेगेटिव वालों में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो ये चीज याद में रख सकते हो तुम, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन।
जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर अनुष्का? ठीक है, अब बात आ रही है हमारी, तुम बताओ कौन सा सिंबल सही है। ये सिंबल सही है ए और बी, विद सिंबल्स आर करेक्ट फॉर ब्रोमियम। अच्छा ऑक्सीजन रह गया, अच्छा ऑक्सीजन का पहले बात कर लेते हैं हमारी, ओके ओ टू प्लस की बात कर रहे हैं हम, तो ओ टू प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे ओ टू प्लस, तो तुम O में सोचोगे पहले, O में होते हैं 8, O2 में होंगे 16, और O2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन कम करो तो O2 प्लस में कितने होंगे 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट ये याद रखना प्रोटॉन चेंज नहीं होते, प्रोटॉन इसमें 16 ही होंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही लूज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही गेन हो सकते हैं, कभी भी प्रोटॉन लूज या गेन नहीं हो सकते, तो प्रोटॉन विल रिमेन सेम एंड यहाँ पर है ओ टू प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर। ठीक है, सो वेरी गुड जीवांशु अनुष्का, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बात आ रही है हमारी, तुम बताओ कौन सा सिंबल सही है। ये सिंबल सही है ए और बी, विथ सिंबल्स आर करेक्ट फॉर ब्रोमियम। ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के लिए कौन से सिंबल्स करेक्ट हैं, ए वाले या बी वाले एंड वाई? ए वाले करेक्ट हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है और मास नंबर हमेशा ऊपर आना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर नीचे जो कम वाला है वो नीचे और मास नंबर ऊपर, तो एटॉमिक नंबर ये गलत है, बी वाला गलत है, तो इसका आंसर हम बोलेंगे करेक्ट सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स अगर एलिमेंट है तो उसके नीचे जेड और ऊपर ए, तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा मैं एक और लिंक, अच्छा इसी लिंक को रीज्वाइन करेंगे, ठीक है टाइम आप होने वाला है, एक बार इसी मीटिंग को रीज्वाइन करेंगे सारे विद इन वन मिनट।